पत्र लिखते कहाँ जाते, मीडिया ही में आता। हमको तो पत्रवा लिखेंगे तब नाम पढ़ेंगे। देखिए एक बात आपको हम बता देते हैं हाथ जोड़ करके, आप जब लेटर लिखिएगा हमको तभी हम पढ़ते हैं। अब ऐसे ही भेज दीजिएगा तो हम क्या लिखेंगे। सरकार को लेकर के तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री से मिलने का। हमको तो कोई पत्र नहीं मिला है। अब बाढ़ के लिए जितना काम हुआ है बिहार में, ये कहने वाली बात है। और कब से कर रहे हैं बोलिए, जब से बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है तब से ये समूचा फ्लड का, ड्राउट का सबको कब से देख रहे हैं, आपदा को मालूम है जो सबसे पहले हुआ था 2007 में, तो कितना काम किया गया था। और उस समय से हम लोग रूल बना करके, नियम बना करके किस तरह से करते, और इस बार देख रहे हैं हम लोग खुद ही कितनी जगह पर गए और पूरा का पूरा समीक्षा करने के बाद जो सब जगह के जिलों के प्रभारी मंत्री जी हैं उनका भी कार्यक्रम कराया गया कि वहां जा करके लोगों से एक एक बात और पूछ लीजिए कि कहीं कोई चीज मिस नहीं करे, तो एक एक काम कर लिया गया। यहां पर तो कोई भी प्रभावित व्यक्ति मिस नहीं करेगा, सबके लिए हम लोग करते रहते हैं। तो इसके लिए तो कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय स्तर की टीम आकर के देख के गई है, तो जो भी बाढ़ के संबंध में केंद्र को मदद करना होता है उसकी एक टीम आती है, देख करके गई है। जो मदद करेंगे वो करेंगे, लेकिन अलग से उसके लिए कुछ जाने की आज तक कभी कोई आवश्यकता नहीं हुई है। पहली बार हमको आवश्यकता पड़ी थी वो 2007 में हम गए थे, जब उस समय प्रधानमंत्री थे, उनको बताने के लिए कि आप लोग भी देखिए। उस समय की बात, तो कोई ज्यादा कुछ तो उस समय नहीं मिला था, थोड़ा ही बहुत मिला था। तो एक एक चीज किया था हम लोगों ने, और बाद में जो केंद्र की योजना है उसके हिसाब से राज्यों को मिलता है और यहाँ पर भी होता है, तो आकर के टीम देख चुकी है। इसलिए उसके बारे में तो राज्य सरकार पूरे तौर पर सक्रिय है, और आप जानते हैं कि हर तरह का, यानी जो प्रभावित परिवार है उसको हम लोग दे रहे हैं, जो लोग कहीं फंसे हुए हैं तो उनको बाहर रखना, भोजन कराना, और सबका देख रहे हैं इस बार कोरोना को ध्यान में रखते हुए सबका टेस्ट करना और टीकाकरण कराना, सब कुछ हुआ है। आज तक इतनी जगहों पर जहां कहीं भी लोग, गांव प्रभावित था, निकल करके बाहर आए, सबका टेस्ट किया गया, अब तक एक भी पॉजिटिव नहीं मिला। अब जरा जान लीजिए बिहार की स्थिति। हमने जानबूझ करके कहा था कि एक एक जगह टेस्ट कराई, सब टेस्ट कराया गया और सबका टीकाकरण भी कराया गया। तो एक एक काम किया जा रहा है, और उसके बाद जो फसल, जो हाँ मान लीजिए कि बाढ़ के कारण पेड़ भी नहीं लगा, ये अपना शुरू नहीं कर सके, खेती नहीं शुरू कर सके, तो वैसे सब लोगों को भी पूरी मदद का भी निर्णय लिया जा चुका है, और जिनका फसल बर्बाद हो गया उसके लिए भी निर्णय लिया जा चुका है। तो हर चीज तो किए हुए हैं, और हर जिले में हमारे प्रभारी मंत्री जाकर के मीटिंग करके सबकी बात सुन चुके हैं और सब तरह का रिपोर्ट। और आप जानते हैं हम तो कई राउंड मीटिंग किए, और लास्ट में जब मंत्री जीगण को सब जगह भेजना था तो सारे मंत्री को साथ बैठा करके और पूरे बिहार के हर जिले के डीएम से लेकर के सब लोगों के साथ मीटिंग करके एक एक जानकारी लेकर के, गाइडलाइन दे करके, गाइडेंस दे करके, एक एक तरह की बात करके और फिर लोगों को भेजा गया। इसलिए यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। हाँ, अगर किन्हीं को ऐसा लगता है कि किसी इलाके में कुछ और है, मीटिंग तो हो चुकी है, अगर किन्हीं को पता है कहीं के बारे में तो वहां के बारे में सूचना दे दें। हमको नहीं पता है। देखिए अब तो पत्र लिखते कहाँ जाते, मीडिया ही में आता है। हमको तो पत्रवा लिखेंगे तब नाम पढ़ेंगे जी। देखिए एक बात आपको हम बता देते हैं हाथ जोड़ करके, हम आप जब लेटर लिखिएगा हमको तभी हम पढ़ते हैं। अब ऐसे ही भेज दीजिएगा तो उसको हम क्या देखेंगे, उस पर मीडिया में आ ही जाता है तो देख ही लेते हैं।